नाल युद्ध किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कथा चैनल में तुहाडा सब का स्वागत है। पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा गया सी, जिसका सही उत्तर देने ते साडे चैनल वालों उस व्यक्ति को एक इनाम भेट किया गया है। आओ सब तो पहला उन्होंने रूबरू होंगे। हाँ, खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करना चाहना गुरबाणी कथा चैनल का जिन्होंने मेनू गिफ्ट हैमर भेजा है। सो अगर तुसी भी ढेर सारे प्राइज जितना चाहते हो तुसी भी गुरबाणी कथा चैनल ना जुड़ सकते। मैनू गुरबाणी कथा चैनल दे वल्लों जिहड़ा सवाल पुछया गया सी उहदा सही जवाब देण ते मैनू आ गिफ्ट हैम्पर मिलिया हैगा मिल्टन। थैंक यू गुरबाणी कथा चैनल दा जिन्होंने मैनू गिफ्ट हैम्पर दिता, शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ए सन जिन्हां नू गुरबाणी कथा चैनल वल्लों सवाल पुछे जाण ते सही जवाब देण ते एक इनाम भेट किया गया है। इस वीडियो के विचकार भी एक सवाल पूछे जाएगा जिसका सही उत्तर देने वाले इनाम भेट किया जाएगा। इसलिए सारी वीडियो नू पूरे ध्यान दे नाल सुनो जी। आओ शुरू करते हैं अज की वीडियो। अज की वीडियो में गल करांगे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंडी की वार में चंडी माता अते राक्षसां दे विचकार जो युद्ध होया उस युद्ध के बारे गल करांगे अते गल करांगे काली माता दे शिवजी दे युद्ध दे बारे। जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंडी अते राक्षसां दा युद्ध चंडी दी वार विच दर्ज किया है, आओ करदे हां उसकी व्याख्या। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब फरमाते हैं पौड़ी खंडा प्रथमे साज कै जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद प्रचाया, तैही दुर्गा साज के दैतां दा नाश कराया, तैही दुर्गा साज कै दैतां दा नाश कराया। गुरु साहब फरमाते हैं प्रभु ने सब तो पहला अपनी माया शक्ति रचिया ते उस दे पिछों सारे संसार नू उत्पन्न किया। इस महान प्रभु सत ने ब्रह्मा विष्णु महेश नू बना के अपनी कुदरत दा खेड इस संसार नू बनाया, फिर समुंदर पहाड़ धरती आदि उत्पन्न किए ते बिना थम्मा तो यह आकाश दा तंबू दान दिता। उसे प्रभु ने अपनी सत्ता नाल दैंतां ते देवतियां दी रचना कीती ते फिर इन्हां दोहां विच लड़ाई झगड़ा खड़ा कर दिता। हे अकाल पुरख तेतों की दुर्गा देवी ने शक्ति प्रभावित करके दैंतां दा नाश किया ते दैंतां नूं मार मुकाया। गुरु साहब युद्ध की गल नूं शुरू करदे होए कहिंदे हन सत दा युग सत युग खत्म हो गया ते सतो रजो गुण वाला त्रेता युग आरंभ हो गया। प्रभु ने देवत्यां दे अहंकार नूं नाश करन दे लई महकासुर ते शुंभ आदि महान बली जोधे राक्षसां नूं उत्पन्न किया। महकासुर ते शुंभ आदि दैंतां ने अपने जोर नाल तिन्हां लोकां स्वर्ग लोक मात लोक पताल लोक नूं जीत लिया ते देवत्यां नूं अपने अधीन करके सारी सृष्टि ते अपना राज कायम कर लिया। महकासुर ने इंद्र देवते नूं स्वर्ग विचों कढ दिता ते ओ शिव जी दे निवास अस्थान कैलाश पर्वत विच जा के दिन गुजारन लगा। इंद्र राक्षसां कोलों बहुत डर गया ते उस दे मन अंदर दैतां दा भय वध गया। महकासुर कोलों स्वर्ग लोक दा राज खुआ के इंद्र राक्षसां कोलों बचण दे लई दुर्गा देवी दी शरण विच आया। एक दिन जदों इशनान करन लई दुर्गा नदी ते आई तां इंद्र इस नूं चंगा जाण के दुर्गा कोल पहुंचिया। इंद्र ने अपने सिर बीती सारी दुख की कहानी दुर्गा देवी नूं सुनाई। इंद्र ने बेनती की, हे माता, राक्षसां ने अपने बल नाल सातों स्वर्ग लोक की पातशाही खो ली है ते असीं उन्हां राक्षसां दे डर दे कारण पर्वतां विच जा के लुके हाँ। देवी इस गल नूं सुन के खिड़ खिड़ के हस पई। फिर दुर्गा बड़े क्रोध नाल भर गई ते उसने राक्षसां नूं खाण वाला अपना शेर मंगवाया। दुर्गा देवी ने देवत्यां नूं धीरी दित्ता ते कहा, तुसी कोई फिकर ना करो, मैं तुहाडा दुख निवारण करांगी।
देवत्या दे दुख सुन के दुर्गा माता बड़े रोष विच भर गई। उसने राक्षसों का नाश करने के लिए तैयारी कर ली। दुर्गा अते दैंत जंग दे मैदान विच आ के बड़े ही भयानक ते डरावने मारू बाजे बजाउण लगे। ते इस तों बाद दुर्गा अते दैंता दे विच युद्ध शुरू हो गया। राक्षस हाथ विच तलवारा फड़ के बड़ा ही घबराउण दा युद्ध कर रहे सन। वो राक्षस इहो जिहे बहादुर सूरमे सन जो जंग विचों पिट दिखा के कदे भी नहीं नठे। दुर्गा ने राक्षसों नूं मार मार के इउं लोथां दे ढेर ला दित्ते जिवें किसान खेत विच वाढी करदा है। फौजां दी भीड़ नूं देखदिआं देवी दुर्गा ने अपने हाथ वाली तलवार नूं इवें घुमाया। दुर्गा ने बड़का मार के महकासुर दैत दे ढेर विच तलवार मारी। देवी ने इन्ने जोर नाल तलवार मारी के वह राक्षस दे गुर्दे आंदरां दे पसलियां चीर दीआं होईआं उसदे पेट नूं धस गईआं। महकासुर दैत दे सिर ते इह दुखां दी बड़ी सख्त घड़ी बीती। रणभूमि विच राक्षस इउं मरे पए सन जिवें किसे तरखाण ने रुख पलट पलट के सुट्टे होण। जंग दे मैदान विच सूरमिआं दे लहू अते चरबी दी कहानी बनी होई सी। महकासुर दैत दे मरन दे पिछों होर राक्षस जंग दे मैदान विच दुर्गा दे नाल युद्ध करन आ गए। महकासुर दे मरन तों पिछों देवी ने देवतियां नूं उहनां दा राजभाग स्वर्ग लोक इंद्रपुरी दे दित्ती अते उह माता अलोप हो गई। इस तों मगरों सोम अते निसुंभ नाम दे दो राक्षस होर पैदा होए अते उहनां राक्षसां ने इंद्रपुरी उत्ते दुबारा आक्रमण कर दिता, जिस कारण राक्षस देवत्यां उपर भारी पै गए अते देवते राक्षसां नूं देख के डर के भज गए। राक्षस फिर देवी को प्रार्थना करन लई गए, हे माता साडा राजभाग सानूं दुबारा वापस कीता जावे। देवते फिर देवी दे कोल सहायता दे लई गए। ये गल सुन के भवानी बड़े ही क्रोध विच आ गई अते ओ चंडी रूप धारण करके राक्षसां दा नाश करन लई ते देवतियां दी सहायता दे करन लई रणभूमि विच आ पहुंची। ये खबर सुन के बड़े बड़े अभिमानी राक्षस देवी का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हो गए। राक्षस सोम अते निसुंभ ने राक्षस सेना नूं काली माता दे नाल युद्ध करन दे लई मैदान विच भेजिया। राक्षसां दे राजे सोम ने बड़े अभिमानी सूरमे लोचन धूम नूं अपनी मदद लई बुलाया, जो अपने आप नूं संसार दा बड़ा बली सूरमा कहाउंदा सी। दुर्गा देवी नूं बन के लियाउण दा मता पका के राक्षसां ने नगारे बजा के चढ़ाई कर दित्ती। जंग दे मैदान विच राक्षसां दीआं फौजां देख के दुर्गा बिजली वांग कड़की। दुर्गा ने मैर विचों खंडा कढ लिया ते मुकाबला करन दे लई राक्षसां दे सामने आ गई। दुर्गा माता ने राक्षसां दी इउं पटापटी कीती जिवें तरखाण ब्रिखां नूं वढ वढ के सुट दिंदा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਰਾਕਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਪੁਰੀ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ। ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਦੈਂਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਭ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਦੇ ਸਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਇਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਬਲੀ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਭ ਨੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਰਵਾਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਕਸ਼ਸ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਖੱਪਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਦਾ
नामो निशान मिटा दिता। काली माता का क्रोध बढ़ता ही गया। वह राक्षसों का लहू खप्पर विच भर भर के पींदी रही। इस तो मगरों युद्ध के मैदान में सुंभ ते निसुंभ काली और दुर्गा माता के सामने युद्ध करने के लिए आ गए। दुर्गा ने सुंभ ते निसुंभ का भी नाश कर दिता और काली माता ने उन्हों का भी लहू पी लिया, पर काली माता की प्यास ना मिटी ते वह होर खून की उमंग करती रही और क्रोध ना भरी रही। इसनों देखते हुए शिव कैलाश पर्बत तो काली माता नू रोकण दे लई उसके सामने आ गए। तो इस तो बाद काली माता दे नाल रुकण ते काली माता ने शिव दे नाल युद्ध किया। काली अते शिव दे विचकार युद्ध का अंत हुंदा होया ना दिखदे शिव जी काली दे रास्ते दे विच लम्मे पै गए, जिस कारण काली माता दा पैर उहना दे उपर शिव जी दे उपर लग गया ते काली माता उस वेले शांत हो के अपने स्वरूप विच प्रगट हो गई। जिस कारण तुसी मंदिरां विच फोटो भी देखियां होंगे कि काली दा पैर शिव जी दे उपर हुंदा है जां शिव जी काली माता दे पैरां दे विच लंबे पाए हुंदे हन। उस दा कारण यही है कि काली माता नूं शांत करन दे लई शिव जी काली माता दे रास्ते दे विच पै गए, जिस कारण काली माता नूं शांत कीता गया। इस तरह चंडी का प्रसंग तुसी सारा सुनिया है, किवें चंडी दी माता राक्षसां दे नाल युद्ध करती है ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंडी दे विच जो भी व्याख्या की है उस बारे दस्या गया है। अज का सवाल यह है जी, वो किहड़ा राक्षस सी जिस दा लहू धरती ते डिगण दे कारण उस दे वर्गे होर राक्षस पैदा हो जाते सन, उसका नाम की सी? सही जवाब देने वाले नूं चैनल वालों इनाम दिता जाएगा। अते अगर साड़ी वीडियो वधिया लगी होवे तां चैनल नूं सबसक्राइब करो ते वीडियो नूं शेयर करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।